नमस्कार दोस्तों, आपका स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। आज जो हम तीन स्टॉक जो देखने जा रहे हैं जो स्विंग ट्रेड के लिए बेहतरीन स्टॉक है और जिसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हो चुका है। चलिए देख लेते हैं इसके टारगेट और स्टॉप लॉस क्या निकल के आ रहे हैं और कैसे कैसे पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। जो हमारा पहला स्टॉक निकल के आ रहा है वो है, देख सकते हैं आप इसके अंदर एडवांस इंजाइम वन डे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। इसके अंदर अच्छा खासा राउंडिंग पैटर्न हमें बनते हुए दिख रहा है या मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं। देख सकते हैं इसमें राउंडिंग पैटर्न बन के हमारा इसमें ब्रेकआउट भी हो चुका है और मल्टीपल इसके अंदर देख सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल टाइम भी हमारा इसके अंदर रेजिस्टेंस फेस किया है, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस और ये चौथा रेजिस्टेंस फेस करने का देख सकते हैं। इसके अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी हो चुका है। चलिए वॉल्यूम भी दिखा देता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं कि इसके अंदर वॉल्यूम देख सकते हैं कितना अच्छा इसके अंदर बढ़ते हुए हमें दिख रहा है और ये अच्छा खासा इसके अंदर ब्रेकआउट भी हो चुका है हमारा ट्रेंड लाइन। चलिए देख लेते हैं इसके टारगेट और स्टॉप लॉस क्या निकल के आ रहा है हमारा। अगर आपने यही कहीं इस रेंज में किसी बाय किया आपने 327 में किसी रेंज में आपको मंडे के दिन आप इसको बाय कर लेना, आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 6.66% का इसमें स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। चलिए टारगेट देख लेते हैं हमारा टारगेट क्या निकल के आ रहा है। इसमें टारगेट हम यहाँ से निकालते हैं, देख सकते हैं दोस्तों हमारा इसमें 28% का हमारा इसमें टारगेट निकलते हुए दिख रहा है। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, आप इसको भी स्विंग ट्रेड और शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और जब भी आपका 50% गेन हो जाए तो आपका जो स्टॉप लॉस है उठा के एंट्री पॉइंट पे ला दीजिएगा और इससे भी बड़े बड़े टारगेट के लिए आप इसके अंदर आराम से बैठ सकते हैं। और जो स्विंग ट्रेडर है, जो आपका टारगेट ये कम्प्लीट हो जाए स्विंग ट्रेडर यहाँ से बाहर हो जाइएगा। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उसको आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज कर करके और भी अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट इसमें बना सकते हैं धीरे धीरे करके। और स्विंग ट्रेडर आप 28% या 15% लेके आप इसके इस ट्रेड से बाहर हो जाइएगा। और जो अगर आपको भी इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर करके इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं जो स्विंग ट्रेडर है। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके इसमें लंबे समय के लिए 3 से 4 महीने या 6 महीने के लिए आराम से इसके अंदर बड़ा प्रॉफिट इसके अंदर बना सकते हैं। और अच्छा खासा फंडामेंटल स्टॉक है और अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट इसके अंदर राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, तो राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है तो ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, इसके अंदर आपको प्रॉफिट बना होने के चांसेस ज़्यादा है। और देख सकते हैं इसके अंदर 250 मूविंग एवरेज को भी इसने क्रॉस ओवर दे दिया है, देख सकते हैं। अब इसके अंदर दिखा देता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं दोस्तों अब इसके अंदर 250 मूविंग एवरेज को भी इसने क्रॉस ओवर दिया है, तो ये गुड साइन है कि यहाँ से हमें अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट हमें बना के दे सकता है। तो आप इसको ये स्विंग ट्रेड के लिए कंसीडर कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड स्टॉक निकल के आ रहा है वो है, देख सकते हैं पी फाइजर वन डे टाइम फ्रेम में, देख सकते हैं आप इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर भी अच्छा खासा हमारा ब्रेकआउट हो चुका है, देख सकते हैं एक ये बड़ा ट्रेंड लाइन है हमारा, इसको ब्रेकआउट करके रिट्रेस भी हो चुका है और ये सपोर्ट भी बना हुआ है हमारा यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप इसके अंदर दोस्तों ये अच्छा खासा सपोर्ट भी बन के सपोर्ट के अंदर भी मिल रहा है हमें और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हमें मिल रहा है। इसमें ज़्यादा चांसेस है कि आपको इसके अंदर प्रॉफिट बना के दे सकता है। और देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है और एक कप एंड हैंडल टाइप भी पैटर्न बन के हमारा यहाँ पे रिट्रेस करके यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है, देख सकते हैं इस कैंडल ने हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। बस यहाँ है कि अभी हमें यहाँ पे हमारी बाइंग पोजीशन बनी नहीं हुई है क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसका पुल बैक का इसका इंतजार करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस का इंतजार करेंगे इस रेंज में, किसी रेंज में हमें इसको बाय करना है। चलिए देख लेते हैं हमें इसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या निकल के आ रहा है हमारा। अगर आपने रिट्रेस पे इसी किसी रेंज में इसके हाफ इसके अंडर के हाफ रेंज में आपने इसको बाय किया तो लोड कर लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों आप इसके अंदर मैं चार्ट लोड कर लिया है मेरा, यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 3746 का हमारा इसमें स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं कि हमारा टारगेट हमारा कितना बड़ा निकल के आ रहा है। टारगेट हम यहाँ से निकालेंगे इसका, ये है टारगेट हमारा, ये रहेगा हमारा इसमें टारगेट अच्छा खासा निकलते हुए दिख रहा है, देख सकते हैं आप इसके अंदर 21% का हमारा इसमें टारगेट निकलते हुए दिख रहा है। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर है वो आपको 15% का आप इसमें टारगेट लेके चलिए, 50% आपका जब भी इसका अंदर अचीव हो जाए तो स्विंग ट्रेडर यहाँ से बाहर हो जाइए
और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो आप इसके अंदर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज करके और भी इसमें बड़ा टारगेट इसके अंदर बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये भी स्टॉक है, इसको भी आप स्विंग ट्रेड के लिए और शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए कंसिडर कर सकते हैं और अच्छा खासा इसमें पैटर्न बन चुका है, तो ये ज़्यादातर चांसेस है इसके अंदर कि ये प्रॉफिट बना के दे सकता है। और ये भी देख सकते हैं इसके अंदर कि ये 200 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस ओवर दे दिया है और सपोर्ट 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ये सस्टेन कर दिया है ऊपर की तरफ, तो इसके अंदर ज़्यादा चांसेस है कि आपको ये प्रॉफिट है इसमें बना के दे सकता है। जब भी आपका 50% गेन हो जाए, 50% इसमें का गेन हो जाए, तो आपका जो स्टॉप लॉस है उठा के एंट्री पॉइंट पे ला दीजिएगा। इनकेस अगर ये ट्रेड हमारा फेल होता है तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे, हमारा स्टॉप लॉस हम यहाँ पे नहीं देंगे। अगर आप इसी टेक्निक के साथ चलेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कम हिट होगा और आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएंगे। इसी टेक्निक का यूज करके आप और भी अगले कोई भी स्टॉक है इस टेक्निक का यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं और मार्केट में टिके रह सकते हैं। और कोई भी आप स्टॉक आप बाय करते हैं तो खुद की एनालिस और फाइनेंशियल एडवाइस के बाद ही कोई भी स्टॉक को बाय कीजिएगा। जो हमारा थर्ड स्टॉक निकल के आ रहा है वो है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक का, ये स्टॉक है। ये देख सकते हैं वन डे टाइम फ्रेम में, इसमें देख सकते हैं आप दोस्तों इसके अंदर हमारा फ्लैग एंड पोल का पैटर्न हमारा इसमें बनते हुए मिल रहा है। देख सकते हैं आप इसके अंदर फ्लैग ये है, ये पोल है हमारा ये, और ये फ्लैग पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। इसमें अभी हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। जब भी मंडे के दिन यहाँ पे हमारा इस रेंज में आपका जब ये खुले तो आप इसको बाय कर लीजिएगा। और आपका जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 3781 का, 3781 का हम आपका इसमें स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। देख रहे थे कितना परसेंट हमारा इसमें स्टॉप लॉस निकलते हुए दिख रहा है। अगर आपने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपने इसमें बाय किया 3954 के रेंज में, तो लोड कर लेते हैं। सकते हैं हमारे दोस्तों ये इसके नाम अपना टारगेट और स्टॉप लॉस देखते हैं हम। अगर इस रेंज में हमने इसके बाय किया तो हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो कम से कम 4.45% का हमारा इसमें स्टॉप लॉस निकल गया, कम से कम 5% का इसमें स्टॉप लॉस लेके चलिए। अच्छा खासा इसके अंदर आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है ये, और आप ट्रेंड का स्टॉक है देख सकते हैं मल्टी ईयर आप ट्रेंड इसमें देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई भी आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा है ये देख सकते हैं इसके अंदर। और ये अच्छा खासा स्टॉक है, ये प्रॉफिटेबल स्टॉक है, अच्छी कंपनी है ये, और डिफेंस की कंपनी है, तो आपको इसके अंदर प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको जा सकते हैं आप इसके अंदर। अब इसके जब भी आपका 50% गेन हो जाए, जो स्विंग ट्रेडर है वो आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके इसके अंदर और भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये भी बेहतरीन स्टॉक है, इसको भी आप एज ए स्विंग ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।